नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अक्षय आनंद। आपको बता दें कि राज्यपाल के जिस बयान पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा था, उस पर अब जेडीयू का स्टैंड सामने आ गया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव, ज्ञान का आतंक मत फैलाइए, राज्यपाल ने अपने अधिकारों के तहत यह बयान दिया है। आपको बता दें कि कल SK मेमोरियल हॉल में हो रहे एक प्रोग्राम के दौरान राज्यपाल ने कहा था कि अगर किसी महिला के साथ छेड़खानी हो तो वह पहले राजभवन आकर कंप्लेन करे, जिस पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को घेरा था और कहा था कि राज्यपाल को नीतीश बाबू के सुशासन पर शक है, जिस कारण राज्यपाल ऐसा कह रहे हैं कि शिकायत पहले राजभवन में हो। उसी पर अब नीरज कुमार का स्टैंड सामने आया है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी की भी वारदातें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। सबसे ताज़ा मामला गया का है, जहां पे एक डॉक्टर की पत्नी और बेटी के साथ गैंग रेप हो जाता है। इस मामले में हालांकि एक पुलिस अफसर को भी निलंबित किया गया है, पर लगातार बढ़ रहे अपराध पर राज्यपाल ने अपनी चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था कि समाज में और विश्वविद्यालयों में महिलाओं का सम्मान बढ़े और उन्हें समाज में एक इज्जतदार स्थान मिले। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। आप हमें फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं।